हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल इन द ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग ऑन यूनिट 5, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। द टोटल वेटेज ऑफ दिस यूनिट इज 14 मार्क्स। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस कंक्रीट ऑपरेशन व्हिच इज परफॉर्म ऑन द साइट। नाउ फर्स्ट वी विल सी लर्निंग आउटकम, कोर्स आउटकम एंड प्रोग्राम आउटकम्स। First, course outcome is maintain the quality of concrete. Then PO map, that is PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10 map from this unit. Then learning outcome of this video lecture is explain the sequence operation of concreting in given situation. So these are all about learning outcome, course outcome and program outcomes. Now first we see concrete operation. अब तक हमने जो भी units में देखा, हमने first cement, aggregate, concrete, then उसके बाद उसकी testings देखी, सब कुछ देखा, ठीक है। अब हमें देखना है कि कंक्रीट ऑपरेशन कैसे फॉलो होते हैं स्टेप बाय स्टेप ऑन दी साइट, कि आपका जो कंक्रीट है वो कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है और फाइनल डेस्टिनेशन तक वो पहुंचने तक उसमें कौन कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम वन बाय वन से देखने वाले हैं। द फॉलोइंग आर द सीक्वेंस ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। अब हम देखेंगे कि कंक्रीट ऑपरेशन कैसे होते हैं सीक्वेंस वन बाय वन। फर्स्ट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, देन थर्ड एंड सो ऑन। फर्स्ट आता है आपका बैचिंग। बैचिंग मतलब क्या होता है, जो भी आपके इंग्रेडिएंट कंक्रीट को लगने हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर के लिए, उसे क्या करना, मेजर करना। सपोज अगर मुझे कोई कंक्रीट मैन्युफैक्चर करना है तो उसमें एग्रीगेट कितना लगने वाला है, सीमेंट कितना लगने वाला है, वाटर कितना लगेगा, ये जो सारा कैलकुलेशन होता है वो आता है आपके बैचिंग के अंडर में। देन नेक्स्ट कंक्रीट ऑपरेशन है आपका मिक्सिंग। मिक्सिंग मतलब जो भी इंग्रेडिएंट आपने लिया है कंक्रीट बनाने के लिए उसे हम अब क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। हो सकता है वो आप पहले उसे ड्राई मिक्स करेंगे, बाद में आप उसमें वाटर डाल के उसको वेट मिक्सिंग करेंगे। देन ट्रांसपोर्टेशन आपका नेक्स्ट कंक्रीट ऑपरेशन है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो भी आपका कंक्रीट फॉर्म हुआ है उसे उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक कैसे ट्रांसपोर्ट करना, ये आपका सेकेंड नेक्स्ट ऑपरेशन है। देन आपका प्लेसिंग। प्लेसिंग मतलब जो भी कंक्रीट आपने ट्रांसपोर्ट किया साइट तक, ठीक है, अब जो भी आपका फॉर्म हो वहाँ पे बनेगा, ठीक है, जैसे बीम के लिए हो सकता है, कॉलम के लिए रहेगा, स्लैब के लिए रहेगा, उसे उसमें प्लेस करना। देन कॉम्पैक्शन, जो भी कंक्रीट आपने क्या किया, प्लेस किया, उसे प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करना। कॉम्पैक्ट क्यों करते हैं, टू रिमूव दी एयर वॉइड्स। देन क्यूरिंग। क्यूरिंग मतलब क्या होना, उसको एक वॉटर प्रोवाइड करना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि क्यूरिंग प्रोवाइड करते हैं, वाटर स्प्रे करते हैं, वो क्यों करते हैं, जो आपकी हाइड्रेशन ऑफ प्रोसेस है उसे कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि कंक्रीट को हार्ड होने के लिए क्या लगता है आपका, वाटर लगेगा। एंड देन फिनिशिंग, ये हो गया आपके सारे कंक्रीट ऑपरेशन वन बाय वन। फर्स्ट क्या होता है आपका बैचिंग, देन मिक्सिंग होगा, देन ट्रांसपोर्ट होगा, देन प्लेस होगा वो, उसके बाद उसको कॉम्पैक्शन देंगे, उसके बाद उसकी क्यूरिंग होगी और फिर होगी उसकी फिनिशिंग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है कि स्टेट द कंक्रीट ऑपरेशन इन सीक्वेंस, तो आपको उसको सारे सीक्वेंस वाइज ही लिखना है, ठीक है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका बैचिंग। बैचिंग क्या होता है, हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं उसकी कि वॉट इज बैचिंग। बैचिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द इंग्रेडिएंट और मटेरियल फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट इज नोन एज बैचिंग। बैचिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है, उसके अंदर में क्या होता है, जो भी आपके कॉन्क्रीट के इंग्रेडिएंट या फिर मटेरियल, कौन कौन से, सीमेंट हो गया आपका, फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, वाटर सीमेंट रेशियो हो गया, इन सारे चीजों को क्या मेजर करना, मतलब उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करना कि कितना क्वांटिटी में उसको लेना है, वो प्रोसेस कहलाती है आपकी बैचिंग। अब दीज आर टू टाइप्स। अब बैचिंग भी दो टाइप्स की होती है, फर्स्ट है आपकी वॉल्यूम बैचिंग और सेकेंड है आपकी वेट बैचिंग। वॉल्यूम बैचिंग में क्या होगा,
द मेजरिंग ऑफ मटेरियल इज डन बाय टेकिंग वॉल्यूम। अब इस बैचिंग में क्या होगा, जो भी हम इंग्रेडिएंट को मेजर कर रहे हैं वो हम किसके मदद से मेजर करते हैं, बाय टेकिंग इट्स वॉल्यूम। एंड वेट बैचिंग में क्या होगा, द मेजरिंग ऑफ मटेरियल इज मेजर बाय टेकिंग इट्स वेट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में हम उसको वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं और एक को उसके वेट के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। वॉल्यूम बैचिंग में क्या होता है, आपका गेज बॉक्स यूज किया जाता है, और वेट बैचिंग में आपका वेट मशीन यूज किया जाता है फॉर द मेजरिंग ऑफ इंग्रेडिएंट। और जो वेट बैचिंग होती है वो आपकी एज कंपेयर टू वॉल्यूम बैचिंग एक्यूरेट मेथड मानी गई है। सो दीज आर ऑल अबाउट द बैचिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशन, दैट इज मिक्सिंग, कि आपने जो इंग्रेडिएंट है वो ले लिया आपने कितने अमाउंट में था। ठीक है, सीमेंट कितना लेना चाहिए, एग्रीगेट कितना लेना चाहिए, वाटर कितना मिक्स करना चाहिए। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा मिक्सिंग। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट बाय द मीन्स ऑफ ड्राई और वेट मिक्सिंग इज नोन एज मिक्सिंग। क्या होता है, जो भी इंग्रेडिएंट आपने लिया उसको मिक्स करना है किससे, या तो आप ड्राई मिक्सिंग करो और उसके बाद में आप वेट मिक्सिंग कर रहे हो, तो वो प्रोसेस कहलाती है आपकी मिक्सिंग। दीज आर अगेन टू टाइप्स, और वी कैन से टू मेथड्स ऑफ मिक्सिंग। मेथड मिक्सिंग को दो मेथड से हम मिक्स कर सकते हैं इंग्रेडिएंट को कॉन्क्रीट के। फर्स्ट आपका हैंड मिक्सिंग, इट इज यूज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हैंड मिक्सिंग का यूज कर सकते हैं हम सिर्फ जहाँ आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज हो रहा है, या फिर जहाँ पर आपका छोटा कंस्ट्रक्शन हो रहा है हम वहीं पे हैंड मिक्सिंग को प्रिफर कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका मशीन मिक्सिंग। मशीन मिक्सिंग मतलब इट इज यूज फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन और मिक्सर। आपने कॉन्क्रीट मिक्सर देखा होगा हर एक साइड पे, ठीक है, तो वो यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्क्रीट। फर्स्ट इमेज में देखा होगा आपने कि जो लेबर है वो क्या कर रहा हैंड मिक्सिंग कर रहा है। ठीक है, उसने कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फिर मशीन यूज नहीं किया है, तो वो होगा आपका एग्जाम्पल हैंड मिक्सिंग का। देन सेकेंड इमेज में देखिए आपको कॉन्क्रीट मिक्सर दिख रहा है, मतलब उसने वहां पे मशीन या फिर कोई इक्विपमेंट यूज किया है, तो वो एग्जाम्पल हो गया आपका मिक्सिंग या फिर मशीन मिक्सिंग का। नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कॉन्क्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय वेरियस मेथड्स एंड इक्विपमेंट। अब आपने कॉन्क्रीट को, क्वांटिटी मेजर की, आपने उसको मिक्स किया, आपका कॉन्क्रीट फॉर्म हो गया। अब हो सकता है कि आपकी जो साइट रह रहेगी वो आपके कॉन्क्रीट मिक्सिंग के ओरिजिन से शायद कहीं और हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस कॉन्क्रीट को उस फाइनल डेस्टिनेशन तक क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अब हम ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड्स और इक्विपमेंट। द होमोजेनिटी ऑफ कॉन्क्रीट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग शुड बी मेंटेन बाय ट्रांसपोर्टिंग। जो भी कि आपकी क्या थी, होमोजेनिटी थी या फिर जो आपकी क्वालिटी थी, वो क्या करना है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ से, जो भी आपकी क्वालिटी मिक्सिंग के टाइम में जो भी थी, जितनी भी उसकी क्वालिटी थी, ठीक है, होमोजेनिटी थी, वो आपको मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा एट द टाइम और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट, अब कौन कौन सी मेथड्स होते हैं हम देखते हैं। मोटर पैन, मोटर पैन मतलब जो आपका घमेला हो सकता है, ठीक है, उससे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अगर आपका डिस्टेंस छोटा रहेगा। व्हील बैरो, व्हील बैरो आपने देखा होगा कहाँ पर, जब स्लैब का कंस्ट्रक्शन होता है तो आपको वन व्हील दिखती है आपको, ठीक है, उससे कॉन्क्रीट ट्रांसपोर्ट करते हैं। हैंड कार्ड, हैंड कार्ड भी आपका एक क्या होता है, मेथड होता है, ठीक है, जो आपको कॉन्क्रीट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ट्रांजिट मिक्सर, ट्रांजिट मिक्सर मतलब ये मोस्ट ऑफ दी आपने देखा होगा, ट्रक देखा हुआ है, ठीक है, आपने ट्रक में होता है ट्रांजिट मिक्सर जो कंटिन्यूअसली रोटेट होता है, और ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे मिलेगा, आरएमसी प्लांट, दैट इज रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट में आपको ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और अभी फिलहाल एट द प्रेजेंट हम ट्रांजिट मिक्सर का ही सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट। पंप एंड पाइप्स भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे आपका मेट्रो कंस्ट्रक्शन देखा होगा आपने, या फिर बड़े बड़े ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन देखा होगा, तो वहाँ पे पंप एंड पाइपलाइन भी यूज की जाती है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट। सो दीज आर ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। अब प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अब हो सकता है ऐसा क्वेश्चन कभी आता है कि राइट द प्रिकॉशन
टू बी टेकन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट को ट्रांसपोर्ट करते टाइम हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या फिर यदि हम नहीं लेते हैं तो हमें क्या अफेक्ट होगा, अब हम देखेंगे आगे। फर्स्ट, कीप द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन मिक्सिंग प्लांट एंड कॉन्क्रीट साइट। फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है कि आपको जो डिस्टेंस है वो कम से कम रखना चाहिए हमें, किसका, मिक्सिंग प्लांट और कॉन्क्रीट साइट के बीच का। देन अवॉइड एटमोस्फेरिक इंटरेक्शन ऑफ कॉन्क्रीट, जो भी आपका एटमोस्फेरिक कंडीशन है वो आपके कॉन्क्रीट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कहीं पे ज्यादा समर का सीजन होगा तो वाटर सीमेंट रेशियो इवेपोरेट होगा, या फिर ज्यादा ठंडी का मौसम होगा तो उसपे वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। कैसे अवॉइड करेंगे हम, बाय कवरिंग इट विथ बाय पॉलीथीन कवर। पॉलीथीन कवर से हम उसको क्या करेंगे, कवर करते चलेंगे, ताकि जो आपका एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन है वो आपके कंक्रीट को अफेक्ट ना कर सके। देन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेज ऑफ कंक्रीट शुड नॉट बी टेक प्लेस। जब भी आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो आपने क्या देखना चाहिए कि जो आपका वेस्टेज ऑफ कंक्रीट है वो नहीं होना चाहिए। देन सिलेक्ट हाइयर वाटर सीमेंट रेशियो फॉर लॉन्गर ट्रांसपोर्टेशन एंड मेंटेन मॉइस्ट कंडीशन अराउंड द कंक्रीट मिक्सर। यदि आपका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा किलोमीटर का रहा, फिर ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, तो क्या करना है, आपको प्रीफर करना है कि वाटर सीमेंट रेशियो आप ज्यादा ले। उससे क्या होगा कि जो होमोजिनिटी है और जो मॉइस्चरिटी है वो कंक्रीट में प्रेजेंट रहेगी, जिसके कारण एट द फाइनल स्टेज पे वो जो कंक्रीट है वो आपका हार्ड नहीं होगा। देन यूज रिटार्डिंग एडमिक्सचर टू अवॉइड अर्ली हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट। एक और प्रिकॉशन हम क्या लिख सकते हैं, रिडाटिंग एडमिक्सचर। एडमिक्सचर मतलब एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट होता है जो हम कंक्रीट में एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग यूज करते हैं। इसका क्या बेनिफिट्स होता है, ये अपने कंक्रीट को क्या है, अर्ली हार्डनिंग से बचाता है, मतलब अपने कंक्रीट को हार्ड होने नहीं देता है। यदि हमारा कंक्रीट हार्ड हो जाएगा बिफोर रीचिंग द साइट, तो क्या होगा, वो कंक्रीट हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। सो दीज आर ऑल अबाउट द प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट। देन नेक्स्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशन है हमारा कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या होता है, कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट इज ए प्रोसेस एडॉप्ट फॉर एक्सपेलिंग द इंटरप्टेड एयर फ्रॉम द कॉन्क्रीट। कॉम्पैक्शन हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी एयर वॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, एक्सपेल्ड होने चाहिए। ठीक है, अगर एक्सपेल्ड नहीं करते हैं तो आफ्टर हार्डनिंग वो क्या होगा, हनी कॉम्ब्स फॉर्म करेंगे, और हनी कॉम्ब्स यदि वो फॉर्म करते हैं तो वो हमारे स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लेसिंग के बाद में हम किसी भी कंक्रीट को क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन देते हैं। ठीक है, अब वो बाय हैंड हो या फिर कोई यूजिंग एक्स्ट्रा वाइब्रेटर भी यूज करते हैं हम। इफ द एयर इज नॉट रिमूव, कंक्रीट लॉसेस इट्स स्ट्रेंथ। क्या बोल रहा है वो नेक्स्ट, कि यदि आपकी एयर वॉइड्स आपने रिमूव नहीं की तो आपको क्या करेगा, आपका वो जो एयर वॉइड्स क्या करेगा, आपके स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, या फिर किसी भी स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन देते हैं हर एक स्ट्रक्चर को। देन मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन, कौन कौन से मेथड्स होती है कॉम्पैक्शन की, अब हम देखते हैं। हैंड कॉम्पैक्शन, हैंड कॉम्पैक्शन मतलब में क्या आएगा, रैंपिंग और टैंपिंग। रैंपिंग मतलब एक बड़ा सा रैंप होता है, ठीक है, जिसमें एकदम हार्ड बॉटम साइड में एक फिक्स किया जाता है, जिसके ऊपर टैंप करते हैं। और एक होता है आपका टैंपिंग, टैंपिंग जो होता है आपको टैंपिंग रॉड से भी किया जाता है। ठीक है, देन कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटर, एक अगेन आर्टिफिशियल जो वाइब्रेटर होता है वो क्या होता है आपका, कॉम्पैक्शन वाइब्रेटर। अब होता है नीडल वाइब्रेटर हो सकता है, आपका स्टैंडर्ड वाइब्रेटर होता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लार्ज कंस्ट्रक्शन में ज्यादा यूज किया जाता है। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट। नाउ समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज, क्या पढ़ा हमने, फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस कॉन्क्रीट ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन के क्या क्या सीक्वेंस होते हैं ये पढ़ा हमने। उसके बाद बेसिक्स पढ़े हमने, कौन कौन से कॉन्क्रीट ऑपरेशन पढ़े हमने इस वीडियो में, फर्स्ट बैचिंग पढ़ा है, कौन कौन सी बैचिंग्स होती है उसके टाइप्स पढ़े, मिक्सिंग पढ़े, कौन कौन से मेथड्स होती है मिक्सिंग की वो पढ़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो पढ़ा हुआ है, कॉम्पैक्शन कैसे होता है वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।